कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने कार्यकर्ताओं से संवाद साधा। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन में बदलाव आवश्यक है। कांग्रेस में लंबे समय से कुछ बदलावों की अपेक्षा की जा रही है। बदलाव के लिए ही वह यह चुनाव लड़ रहे हैं। यह संगठनात्मक चुनाव है, कोई युद्ध नहीं है। कांग्रेस के लिए गांधी परिवार बड़ी संपत्ति है। गांधी परिवार का सम्मान सदैव कायम रहेगा। लिहाजा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वे अपने मतों का उपयोग अपनी समझ से करें। थरूर ने यह भी कहा कि किसी बड़े नेता के साथ रहने से इस तरह के चुनाव पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। कार्यकर्ता का मत ही चुनाव परिणाम तय करता है। रविवार को थरूर ने प्रेस क्लब में संवाद साधा। पूर्व विधायक आशीष देशमुख, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैदर अली दौसानी सहित अन्य उपस्थित थे। थरूर कांग्रेस के पदाधिकारियों से चर्चा करने वाले थे। विशेषकर प्रदेश कार्यकारिणी से संबंधित पदाधिकारियों से चर्चा करना था, लेकिन अधिकतर पदाधिकारी शामिल नहीं हो पाए। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र में नियोजन की तैयारी चल रही है। इससे नियोजन कार्य के लिए अधिकतर पदाधिकारी बालासाहेब थोरात, अशोक चौहान के साथ दौरे पर हैं। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी संगठनात्मक कार्य में अन्य क्षेत्र में व्यस्त है। कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद थरूर हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। किसके फॉर्म्स ठीक है, किसमें गलतियाँ हैं, और आपको शायद पता है कि झारखंड के पूर्व मंत्री अपने भी फॉर्म दिया था, लेकिन फॉर्म में कुछ गलतियाँ आने के बाद उनका नाम रोक करके तभी खड़गे साहब और मैं हूँ। मेरे ख्याल में हम दोनों के आपस में जो ये चुनाव होगी पार्टी की, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसमें ना कोई दुश्मनी है, ना ये कोई युद्ध है या कोई जंग है। हम दोनों शत्रु नहीं है, हम दोनों सहयोगी है पार्टी के अंदर। लेकिन हम चाहते हैं कि एक साथ हमारे संकल्प पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।